पानीपत रिफाइनरी में इंजीनियर और अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रेमन निकला था नशा तस्कर। लंबे समय से कर रहा था नशे का कारोबार। कुरुक्षेत्र में CIA वन पुलिस ने भाखड़ा नहर के पास कार समेत नशा तस्कर को काबू किया, जो अपने साथ सियाज कार में 110 किलो डोडा 2 किलो फीम ले जा रहा था और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर दबोचा। मिली जानकारी से पता चला है कि ये नशा तस्कर हाई प्रोफाइल राजस्थान से कुरुक्षेत्र नशे की सप्लाई करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस नशे तस्कर को पकड़ने की जो योजना तैयार की थी, चलिए जानते हैं CIA वन कुरुक्षेत्र प्रभारी मनदीप सिंह से। गश्त के दौरान एक मुखबरी आई थी कि भाई एक राजस्थान का बंदा है और वो अपनी शिवाज गड्डी, उसके पास अपनी गड्डी में NDPS का भारी मात्रा में सामान लेके कुरुक्षेत्र साइड आ रहा है और जाने के रास्ते होते हुए वो कुरुक्षेत्र आएगा। तो इस सूचना पे हमने नाकाबंदी की थी भाखड़ा पुल के पास, डांड रोड पे भाखड़ा पुल के पास हमने नाकाबंदी की थी। और नाकाबंदी के दौरान जब ये गड्डी आती हुई दिखाई थी, स्लेटी कलर की गड्डी थी है और शिवाज गड्डी है, तो इसको हमने गड्डी को रुकवाया। रुकवाने के बाद फिर हमने इसको पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान इसने बताया कि भाई मेरे गड्डी में ये NDPS का सामान है। तो हमने मतलब वो DSP साहब को मौके पे बुलाया, जितेंद्र कुमार DSP को उसी टाइम फोन करके मौके पे बुलाया और इनकी हमने वहाँ पे तलाशी ली। तलाशी के दौरान चार कट्टे जो पीछे डब्बी में रखे हुए थे, दो कट्टे ब्लैक रंग के और दो सफ़ेद रंग के, दो कट्टे पिछली सीट पे रखे हुए थे, तो और एक डब्बा जिसमें 2 किलो अफीम थी और एक क्विंटल 10 किलो, ये टोटल टोटे कॉस्ट हुए। और इसको हमने वहाँ पे राउंड अप किया और इसके खिलाफ FIR दर्ज की। इसका प्रोफाइल में ये है, ये प्रेमन नाम है इसका और राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और फ्लाट गाँव का है और यहाँ पे पानीपत में भी इसने अपना रेजिडेंस बनाया हुआ है, शांति नगर में मॉडल टाउन पानीपत में। और रिफाइनरी में ये इंजीनियरिंग की जॉब पे है और वॉलीबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर भी है ये। ये करीब 3-4 महीने से बता रहा है, ये NDPS का काम कर रहा है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।